हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड और सीटेट से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक है पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी कि जो टॉपिक है हम लोग का आज का, क्या टॉपिक है? पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसका अन्य नाम भी है, तो एग्जाम में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सिर्फ नाम अलग अलग है, थ्योरी एक ही है। तो इसका अन्य नाम के रूप में क्या नाम है? पहला आपका है पावलो का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, दूसरा आपका है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, और तीसरा आपका है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इस थ्योरी का सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन थ्योरी सब एक ही है। तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर कोई भी नाम आता है तो आपको थ्योरी में यही लिखना है। तो हम जान लेते हैं कि इस थ्योरी में क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पावलो का परिचय जान लेते हैं, फिर पावलो का इसमें नियम जानेंगे जो कुत्ते पे प्रयोग किया था, फिर पावलो का हम लोग इसकी विशेषताएं जानेंगे, शैक्षिक महत्व को जानेंगे, और लास्ट में इसका हम लोग मूल्यांकन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय को जान लेते हैं। तो परिचय में सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का, पावलो एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। दूसरा है, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था इवान पत्रोविच पावलो था। इनका पूरा नाम क्या था? इवान पत्रोविच पावलो था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1849 को हुआ था। कब हुआ था जन्म इनका? 26 सितंबर 1849 को। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। और जगह कौन सा था? रियाजान। कौन सा जगह था? रियाजान। नेक्स्ट हमारा है, उनका मृत्यु कब हुआ था? तो उनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1936 को। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 27 फरवरी 1936 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी। और कौन से शहर में? मॉस्को में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पावलो को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलो को क्या कहा जाता है? अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ये आपके सीटेट में प्रश्न आ सकते हैं कि पावलो को मतलब क्या, किसके पिता के रूप में जाना जाता है। तो आपको आंसर क्या करना होगा? अनुबंधन के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, पावलो को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए 1904 ईस्वी में, कब 1904 ईस्वी में क्या दिया गया था इनको? नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था इनको। यानी कि पावलो को जो सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके लिए उन्होंने 1904 ईस्वी में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। पावलो ने कुत्ते को पेरोडिट ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार का एकत्रीकरण किया। यानी कि जो पावलो ने जिसने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में उन्होंने क्या किए हैं? कुत्ते को जो पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या किए थे, मतलब उनके ऑपरेशन कर उसे क्या करते, लार को एकत्रित किए थे और अपना प्रयोग को प्रारंभ किए थे। अब हम जानते हैं कि जो उन्होंने कुत्ते पर जो प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने 4-5 मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म जो शामिल किए थे। तो हम लोग उस टर्म को जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग की व्याख्या मुख्य रूप से जिन 4 संप्रत्ययों से की गई वे निम्नलिखित है। कौन कौन से वो 4 संप्रत्यय थे हम लोग वो जान लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे उनके कुत्ते पे जो प्रयोग किए थे वो जानेंगे। तो पहला आपका है UCS। पहला क्या है आपका? UCS यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस। यानी कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक, इसमें सबसे पहले क्या है? भोजन है। तो भोजन को देखकर स्वाभाविक है कि कोई भी इंसान या जानवर क्या होता है, मतलब भोजन करने के लिए क्या होता है? जागृत हो जाता है, उसके प्रति क्या हो जाता है, मतलब आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? UCR यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया। यानी कि जैसे कि भोजन कोई देखा इंसान या जानवर, तो क्या होता है उसके अंदर, मतलब क्या भोजन करने के लिए क्या हो जाती है, मतलब चेष्टा जागृत हो जाती है। तो क्या है? स्वाभाविक है कि उसके अंदर क्या, मतलब लार आना चालू हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका? स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। यानी कि भोजन देखा तो क्या होगा, इंसान या जानवर के अंदर क्या हो जाता है? लार आना स्वाभाविक रूप से चालू हो जाता है। नेक्स्ट अपना है कि कंडीशन स्टिमुलस। क्या है? कंडीशन स्टिमुलस यानी कि अनुबंधित उद्दीपक। यानी कि इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोग कंडीशन लगा दिए। जैसे इसमें क्या कंडीशन में आपका? घंटी है। यानी कि जो पावलो का जो नियम है, जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे, उसमें क्या है? घंटी बज रही है, तो क्या लग रहा है कि इसको, कुत्ते को, कि क्या हमको अब भोजन मिलने वाला है। तो इसमें क्या होता है? कंडीशन लगाए हुए हैं कि घंटी बजेगी तभी क्या लगेगा कुत्ते को, कि भोजन अब मिलने वाला है। तो ये आपका कंडीशन स्टिमुलस हो सकता है। ऐसा नहीं कि घंटी बजा तो सिर्फ भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्या, इसमें कंडीशन लगाए हुए हैं किस पे? कुत्ते के लिए, कि कुत्ते को जब घंटी की आवाज़ सुनाई देगी तो क्या उसको लगेगा कि हमको भोजन मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका है CR यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया। यानी कि कंडीशन लगाए हुए क्या, कि घंटी बजेगी तो कुत्ते को क्या लगेगा कि अब हमको भोजन मिलने वाला है। तो जैसे ही घंटी बजेगी कुत्ते को क्या, उसके अंदर क्या हो जाएगा, लार आना चालू हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये अस्वाभाविक अनुक्रिया है। यानी कि कंडीशन लगाए हुए हैं क्या, कि घंटी बजेगी तब कुत्ते को क्या हो जाएगा, लगेगा कि अब हमको भोजन मिलने वाला है। तो लार आना क्या है, मतलब ये क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है। अब हम जानेंगे कि जो पावलो का जो नियम था जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने क्या क्या मतलब कैसे कैसे किए थे। तो अब हम लोग जानते हैं कि पावलो द्वारा किया गया कुत्ते पर प्रयोग
तो सबसे पहले पावलो ने अपने प्रयोग के लिए क्या किए, लकड़ी का एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसमें कुत्ते को खड़ा किया जा सके। यानी कि पावलो ने जिन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें क्या किए, सबसे पहले एक लकड़ी का ऐसा उपकरण तैयार किए जिसमें क्या कुत्ते को खड़ा किया जा सके। कुत्ते के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित समय और अवधि के लिए कुत्ते के सामने भोजन तथा भोजन मतलब लाया जा सके। यानी कि जिन्होंने लकड़ी का जो उपकरण तैयार किए थे उसमें एक ऐसा व्यवस्था किया गया था कि एक निश्चित समय पर क्या हो जाए, कुत्ते को सामने भोजन लाया जा सके। इस उपकरण में घंटी बजाने तथा भोजन प्रस्तुत करने के लिए त्वरित बटनों का प्रबंधन किया गया था। यानी कि जो ये उपकरण लकड़ी का जो बनाया गया था इसमें ऐसे दो उपकरण लगाए गए थे कि जिसमें क्या हो सके, एक बटन दबाने पर क्या हो जाए घंटी बज जाए और एक बटन दबाने पर क्या हो जाए कुत्ते के सामने भोजन आ जाए। अब आगे देखते हैं कि क्या थे, पावलो एक शरीर मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कुत्ते की लार ग्रंथि में एक नली लगा दी। क्या लगा दी कुत्ते को लार ग्रंथि में, क्या कर दी एक नली लगा दी जिससे कुत्ते की लार जो है ना उचित स्थान पर क्या हो सके रखे एक बीकर में एकत्रित हो सके। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक थे पावलो उन्होंने क्या किए कि कुत्ते के अंदर क्या किया एक लार ग्रंथि से एक नली लगा दी है जिससे कुत्ते को क्या हो सके उसका जो लार है क्या हो सके एक बीकर में एकत्रित हो सके। यह संपूर्ण उपकरण एक ध्वनि अवरोधी यानी कि साउंड प्रूफ कक्ष में रखा गया और कुत्ते को उसमें खड़ा कर दिया गया। ये सब प्रक्रिया कहाँ पे हुआ, एक साउंड प्रूफ मतलब जगह पे हुआ जहाँ पे आवाज़ ना हो और कुत्ते को क्या कर दिया गया उसमें खड़ा कर दिया गया। अब जानते हैं आगे उसमें कैसे कैसे परीक्षण किया गया। तो सबसे पहले परीक्षण के लिए कुत्ते को पहले एक निश्चित समय पर भोजन का बटन दबाकर भोजन दिया गया। यानी कि जो पावलो ने जो उपकरण तैयार किए थे लकड़ी का उसमें क्या किए थे कि दो बटन लगाए थे, एक बटन से क्या हो सके घंटी बज सके और एक बटन से भोजन कुत्ते को मिल सके। तो सबसे पहले जो परीक्षण स्टार्ट किए जो सबसे पहला दिन उन्होंने क्या किए किसी भोजन वाला क्या किए बटन दबाए तो कुत्ते को क्या मिल गया भोजन मिल गया। भोजन सामने आते ही क्या हुआ कुत्ते के अंदर क्या हुआ लार निकलना चालू हो गया। इस स्थिति में भोजन ने कुत्ते के लिए एक स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि नेचुरल स्टिमुलस का क्या किया कार्य किया तथा लार क्या किया लार आना उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई या फिर स्वाभाविक क्रिया यानी कि नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन था। यानी कि सबसे पहले क्या किए पावलो साहब ने कि सिर्फ भोजन वाले बटन दबाए तो कुत्ते को क्या मिल गया भोजन मिल गया जिससे कुत्ते को लगा कि अब मतलब उसके अंदर क्या हो गया लार आना चालू हो गया। नेक्स्ट जो परीक्षण दूसरा दिन किए दूसरा दिन क्या किए पावलो साहब ने कि सिर्फ प्रयोग के अगले चरण में दूसरे दिन पावलो ने केवल घंटी का बटन दबाया। क्या किए दूसरे दिन केवल घंटी का बटन दबाया, घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने कान तो खड़े किए किंतु लार नहीं टपकी। यानी कि जिस दूसरे दिन क्या किया पावलो साहब ने सिर्फ घंटी बजाया यानी घंटी वाले बटन को दबाए तो सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनाई दी कुत्ते को लेकिन भोजन वाले बटन तो दबाए नहीं तो भोजन तो क्या कुत्ते के सामने आया नहीं। तो भोजन नहीं आने के कारण क्या कुत्ते के अंदर लार नहीं टपकी। इस स्थिति में घंटी की ध्वनि लार टपकाने वाली क्रिया के लिए अस्वाभाविक उद्दीपन यानी कि अननेचुरल ऑफ कंडीशन स्टिमुलस था। यानी कि क्या हुआ दूसरे दिन क्या किया पावलो साहब ने सिर्फ घंटी का बटन दबाया, भोजन वाले बटन को दबाए नहीं तो भोजन तो कुत्ते के सामने आया नहीं। तो कुत्ते के सामने जब भोजन नहीं आया तो क्या हुआ उसके अंदर लार नहीं टपक पाया। तो ये क्या हो गया, ये अननेचुरल ऑफ कंडीशन स्टिमुलस था, अंततः लार नहीं टपकी। तीसरे दिन पावलो ने घंटी का बटन दबाने के तत्काल बाद भोजन का बटन भी दबा दिया। इस प्रकार घंटी की ध्वनि तथा भोजन की प्रस्तुति दोनों क्या हो गई एक साथ हो गई। यानी कि एक ही समय में पावलो ने क्या किए घंटी वाले बटन भी दबाए और भोजन वाले बटन भी दबा दिए जिसके सामने क्या कुत्ते के सामने क्या हुआ घंटी की आवाज़ सुनाई दी और भोजन भी सामने प्रस्तुत हो गया जो एक साथ हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुत्ते ने कान भी खड़े किए और लार भी टपकाई। पावलो ने घंटी तथा भोजन दोनों के बटन एक साथ दबाने की क्रिया को क्या किए कई दिन तक क्या किए लगातार दोहराते रहे। यानी कि घंटी भी दबाते थे और भोजन वाले बटन भी दबाते थे। यानी कुत्ते को क्या घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी फिर भोजन सामने आ जाता था तो क्या होता उसके अंदर लार टपकना चालू हो जाता था। देखा कि कुछ दिनों के बाद क्या हुआ भोजन सामने लाए बिना भी घंटी बजते ही कुत्ते की लार निकलने लगती थी। यानी कि कुछ दिनों के बाद जब लगातार कंटिन्यूटी ये चलने लगा तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ मतलब कुत्ते के अंदर क्या हो गया एक मतलब भावना क्रिएट हो गया क्या कि घंटी बजेगी तो भोजन अपने आप आ जाएगा। तो ये मतलब क्रिया लगातार दोहराते रहे कौन पावलो साहब। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ भोजन सामने लाए बिना भी घंटी बजते ही कुत्ते की लार निकलना चालू हो जाता था। तो पावलो के अनुसार इस अंतिम स्थिति में कुत्ता घंटी की आवाज़ से भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंधित यानी कि कंडीशन हो गया था। यानी कि कुत्ता को लगा कि घंटी बज रही है तो भोजन अपने आप आ जाएगा। तो क्या हो गया ये कंडीशन हो गया था कौन कुत्ता कि घंटी बजाए तो भोजन मिल ही जाएगा। इस प्रकार कुत्ता यह सीख गया कि जैसे ही घंटी की आवाज़ होगी भोजन उसके सामने आ जाएगा।
क्या हुआ, कुत्ता ये सीख गया, क्योंकि ये पावलोसाव ने क्या किया, कंटिन्यू ये करते रहे प्रक्रिया को, घंटी बजाते थे भोजन अपने आप आ जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या किए, सिर्फ घंटी बजाते थे भोजन नहीं देते थे, तो क्या हो गया, उसके अंदर लार टपकना भी चालू हो जाता था, क्योंकि उनके क्या हो गया, ये प्रैक्टिस में आ गया, ये कुत्ता को आदत में आ गया कि भोजन घंटी बजी है तो भोजन अपने आप आ ही जाएगा, तो लार मतलब खुद ब खुद क्या था, स्वाभाविक रूप से कुत्ते के अंदर आ जाता था। तो ये प्रक्रिया जो थी ये कौन से पावलोसाव ने ऐसे ऐसे किए थे कुत्ते के साथ, लेकिन इसका जो सीखने का मेन उद्देश्य क्या था, कि सीखने की इस प्रक्रिया में भोजन क्या उद्दीपक के रूप में, लार टपकना स्वाभाविक क्रिया के रूप में यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, तथा घंटी से भोजन आने के लिए आश्वस्त होना कंडीशनिंग के रूप में करता था। यानी कि जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत में भोजन क्या उद्दीपक के रूप में, लार टपकना स्वाभाविक क्रिया था, और घंटी से भोजन आने के लिए आश्वस्त होना क्या था, अनुबंधन था यानी कि कंडीशन था। तो ये था हमारा आज का जो मतलब क्या था, ये पावलो का अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत था, जिसमें क्या था कि सबसे पहले पावलो ने क्या किए कि पावलो ने सबसे पहले भोजन दिए तो कुत्ते को क्या हो गया, लार टपकना चालू हो गया, फिर क्या किए, फिर सिर्फ घंटी बजाते थे तो कुत्ते को लार नहीं टपकी, लेकिन तीसरे दिन क्या किए एक साथ मतलब भोजन भी दिए और घंटी भी बजाई, जिससे क्या हो गया, कुत्ते के अंदर यह कंटिन्यूटी मतलब बनता चला गया कि घंटी बज रही है तो भोजन स्वाभाविक रूप से हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ये प्रक्रिया जब लगातार चली तो क्या हो गया, कुत्ते के अंदर लार टपकना चालू हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या किया, सिर्फ घंटी बजाते थे और भोजन नहीं देते थे, फिर भी कुत्ते के अंदर क्या हो गया, लार आना चालू हो जाता था। तो ये क्या हो गया, कंडीशन के रूप में आ गया कुत्ते के अंदर कि मतलब घंटी बजी है तो भोजन आ ही जाएगा, तो उसके मतलब क्या, लार टपकना चालू हो जाता था। तो ये क्या हो गया, ये मतलब एक प्रैक्टिस के रूप में आदत हो गया किसके, कुत्ते को बन गया। अब हम जानते हैं कि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है हम लोग का, इस सिद्धांत के द्वारा छात्रों में विभिन्न आदतों का विकास किया जा सकता है, कोई भी कार्य बार बार करने से आदत बन जाता है। जैसे कुत्ते के अंदर क्या हो गया, बार बार जैसे कि घंटी बज रही थी, भोजन मिल रही थी, तो क्या हो गया, लार टपकना चालू हो गया, यानी कि बार बार जो घटना घट रही थी उससे क्या हुआ, उसके अंदर एक कंडीशन के रूप में क्या विकसित हो गया, क्या, लार टपकना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह सिद्धांत बालकों में विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों का विकास करता है। तीसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास के महत्व पर बल देता है। चौथा पॉइंट हम लोग का है, बालकों को अक्षर ज्ञान कराने एवं शब्दों का अर्थ सिखाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट हम लोग का है, इस सिद्धांत के माध्यम से बालकों में विकसित बुरी आदतों को दूर किया जा सकता है। छठा पॉइंट है, बालकों में उत्पन्न संवेगात्मक अस्थिरता का प्रभावी उपचार करने में भी यह सिद्धांत सहायक है। सातवां पॉइंट है, यह सिद्धांत छात्रों में निहित आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। आठवां पॉइंट है हम लोग का, इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षक बाह्य बाधाओं पर नियंत्रण कर सकता है। नौवां पॉइंट है, अध्यापक इस सिद्धांत के द्वारा बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कर सकता है। और दसवां पॉइंट है, अध्यापक इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में भय डर आदि को दूर करने के लिए भी कर सकता है। तो ये क्या है, आपका विशेषता है इस सिद्धांत का। और अब हम जानते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का मूल्यांकन मतलब क्या क्या हो सकता है। जैसे कि पहला आपका सिद्धांत के गुण जान लेते हैं कि इसका गुण क्या क्या है। तो पहला पॉइंट इसमें है, इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, बालकों में विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, बालकों में उत्तम आदतों का विकास किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट क्या आपका, यह सिद्धांत बालकों में उत्पन्न मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरताओं का उपचार करने में क्या है, सहायक है। तो यह आपका क्या है, यह इस सिद्धांत का क्या है, गुण है। और अभी सिद्धांत के दोष हम लोग जान लेते हैं कि सिद्धांत का दोष क्या क्या है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, इस सिद्धांत के आधार पर अधिगम के शारीरिक आधारों को स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। दूसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत का प्रयोग प्रौढ़ों पर नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत में अस्थायित्व का अभाव है। अनुभवों के आधार पर ऐसा देखने में आता है कि उद्दीपकों को हटा देने से बालकों की अनुक्रिया भी प्रभावहीन हो जाती है। और आपका लास्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत मनुष्य को एक यंत्र के रूप में मानकर चलता है, जबकि मनुष्य अपनी चिंतन शक्ति के आधार पर भी अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है। तो ये था आपका आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया कि जो पावलो का सिद्धांत था उसमें कैसे कैसे मतलब प्रक्रिया हुई थी। तो इसके में हमने बात किया कि इसका मतलब महत्व क्या है, फिर इसका दोष क्या है, इसका गुण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आपने देखा कि पावलो का जो सिद्धांत था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद।